वाला अपना क्वाड्रेंगल है जो BGR का, और वो अपना क्राइस्ट वाले बॉयज हॉस्टल, बहुत खतरनाक प्लेस है। एंड ये कैफेटेरिया वगैरह वो 44,000 पर मंथ पर ईयर पर ईयर मैं 50,000 पर मंथ दे रहा हूँ, आई स्वेयर कंपेयर ही नहीं कर सकते। 44K पर मंथ। Oh, hey, what is up everyone, this is Harshit, welcome back to a new video. तो भैया ये वीडियो कैंपस टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीजा कैंपस का आपका एक कैंगरी का आ चुका है, सेकंड है बीजा कैंपस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर। तो भैया ये बिल्कुल मेन एरिया में नहीं था, बट ठीक एरिया था, लाइक इतना बेकार भी नहीं था, कैंगरी से बिल्कुल आउटर नहीं था, बट एंड जो अभी सेंट्रल आएगा कौन मंगल उतना मेन भी नहीं था, बट हाँ ठीक था एरिया इसके आगे, लेकिन रोड के सामने जिस कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है काफी, तो वो एक चीज थी। तो इसमें घुसे कैंपस के एरिया वगैरह की बात करूं तो नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल, एवरेज कैंपस था, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब फ्लोर्स थे 5-6, बट एज सच प्ले ग्राउंड एरिया वगैरह नहीं था। ये इनका कैंटीन था, कैंटीन तो मतलब ठीक है जो नॉर्मल होता है वैसे ही था, नॉट ऐसे कुछ स्पेशल भी नहीं दिखा मेरे को, बहुत कुछ स्पेशल है एंड ना कुछ बहुत बेकार कैंटीन है कि छोटी हो, बड़ी कैंटीन थी, स्पेस वगैरह थी, ऐसा नहीं है कि स्पेस वगैरह नहीं थी। ऑफ था उस दिन, तो एक ये चीज़ है कि कॉलेज खाली था, लाइक इतने स्टूडेंट्स वगैरह नहीं थे, बिल्कुल कुछ ही थे जो कुछ काम के प्रोजेक्ट वगैरह लाए थे। ये इनका मेन एरिया है, हॉस्टल वगैरह भी इधर ही बना है, जो कि थोड़ा भी एक्सप्लेन करेगा, एक स्टूडेंट मेरा लाइक मिला था क्राइस्ट BGR से, तो मैंने हेल्प ली थी आदित्य की, तो या वो एक्सप्लेन करेगा आगे क्या है क्या नहीं। ये वाला अपना क्वाड्रेंगल है जो BGR का, और वो अपना क्राइस्ट हॉल है बॉयज हॉस्टल, बहुत खतरनाक प्लेस है। एंड ये कैफेटेरिया वगैरह, हाँ ये कैफे कॉफी डे है, और वो अपना ICH है, इंडियन कैफे हाउस। अच्छा, मेन कैंटीन यही है तुम्हारी? हाँ मेन कैंटीन यही है। ठीक है, वगैरह क्या है हॉस्टल के? हॉस्टल के चार्जेस अराउंड 44,000 है प्लस 5,000 डिपॉजिट। अच्छा, एंड कैसा है हॉस्टल? कुछ नहीं, हॉस्टल में फाइन लगता है अगर बायोमेट्रिक नहीं करे तो, ₹200 फाइन लगता है। फक, तो उसका देखना पड़ेगा। एंड क्या डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग? ट्रिपल शेयरिंग है हॉस्टल्स, डबल शेयरिंग ओनली MBA। अच्छा, इवन 44,000 पर मंथ पर ईयर पर ईयर मैं 50,000 पर मंथ दे रहा हूं, आई स्वेयर कंपेयर ही नहीं कर सकते। 44K पर मंथ। एंड बाकी कैसा है हॉस्टल, मतलब AC हॉस्टल में तो है ना? AC कुछ नहीं है, AC हॉस्टल में कुछ नहीं है, कैसे रह सकते हैं? वही तो, इसीलिए मैं फ्लैट में शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। ये हॉस्टल एरिया, इनके इधर से एंट्री होती है, हॉस्टल की गार्ड वगैरह रहते हैं एंड स्ट्रिक्ट है काफी हॉस्टल, जैसे कि बताया आदित्य ने, तो हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकता, बट मैंने आदित्य से वीडियो मंगाई थी बिकॉज आदित्य स्टेज इन हॉस्टल हो लिया अभी, तो ये हॉस्टल था उनका। बात करें प्राइसिंग काफी कम थी, जैसे कि 45,000 पर ईयर तो बहुत क्रेजी, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सस्ता था, बट इतना मतलब एवरेज हॉस्टल है, लाइक टिपिकल बॉयज हॉस्टल जैसे होते हैं कॉलेज वगैरह वैसा था, ये कुछ स्पेशल वगैरह आप एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि नॉर्मल देखो सीटिंग एरिया वगैरह था जहाँ लाइक स्टूडेंट बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, खाना वाना भी मेस वगैरह भी इधर ही लगता होगा, फिर आपका काम वाम होता है। ये रूम था तो रूम भी लाइक आप देख सकते हो छोटा था, तीन अलमीरा दे रखी है, नॉर्मल बेड था, AC ऑब्वियसली नहीं होता है, मतलब बैंगलोर में कहीं भी बहुत मुश्किल है आपको AC मिल जाए, एंड सेम इधर भी था कि AC नहीं है, बाकी लिफ्ट वगैरह प्रोवाइडेड थी कि लिफ्ट वगैरह यूज करनी हो, ठीक है लाइक एवरेज हॉस्टल, बट प्राइसिंग बहुत सस्ती है तो ठीक है कर सकते हो आप, नॉट बैड वर्थ इट रहेगा थोड़ा। कैंपस की बात करें तो इधर आपका स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, उसके कोर्सेज होते हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके कोर्सेज होते हैं, फिर आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, उस चीज के कोर्सेज होते हैं इसमें। तो बाकी दिस कैंपस इज इक्विप्ड विद ऑल द एसेंशियल फैसिलिटीज जो कि होती है रिक्वायर्ड फॉर एकेडमिक एंड कल्चरल जितने भी हैं, तो आपको वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, फिर आपका कंप्यूटर लैब्स भी है, सेमिनार हॉल है, मिनी ऑडिटोरियम भी है, तो ऑडिटोरियम जा नहीं पाया बट मतलब मैंने बाहर से देखा था क्लोज कोर्स, क्योंकि बंद था ऑब्वियसली हॉलीडे था, फिर आपका रेस्टोरेंट वगैरह कैफे वगैरह भी है, फिर आपको लेकिन जो मैंने आपको मेन ऑडिटोरियम बताया
It has a seating capacity of 1600 persons, so that is great, मतलब and उनका main seating area वगैरह जहाँ पे like students वगैरह chill करते हैं, मतलब बैठ के time pass वगैरह किया, तो ये वो area था and open area है, मतलब आपको क्या बाहर भी दिखता है, road वगैरह दिख रही है, so yeah nice vibe and बाकी देखा जाए तो मेरे को to be honest अगर मुझसे personally पूछोगे तो campus ठीक लगा क्योंकि ऐसे बहुत great भी नहीं था. अब जो आगे सेंट्रल कैंपस की वीडियो आएंगी देखोगे तो सेंट्रल कैंपस बेटर है एंड कैनगरी कैंपस अगर बेटर था, लोकेशन वाइज कम अच्छा था बट कैंपस वाइज तो कैनगरी वो फार बेटर. तो या मतलब ठीक है ओके ओके कैंपस था बट काफी जो मेन आपके बीबीए वगैरह के कोर्सेज सारे इसी कैंपस पे होते हैं, बीजीआर में ही लाइक होते हैं जितने भी कंडक्ट होते हैं क्लासेस वगैरह. ये मुझे एक क्लास का लॉक खुला हुआ था तो मैं अंदर गया था, छोटी क्लासरूम है बट आप देख सकते हो ऐसी क्लासेज है. एसी अगेन किसी भी क्लास में नहीं है तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट थिंग, वो सब आपको नहीं मिलेगा. अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बात करूँ तो हाँ होते रहते हैं इधर, मतलब इवेंट्स वगैरह सब होते रहते हैं बट स्पोर्ट्स के लिए ऐसे इधर फैसिलिटीज नहीं है. वो आपको सेंट्रल कैंपस वगैरह कैनगरी कैंपस में बहुत अच्छी थी, इधर नहीं है. ठीक है इधर ठीक है ओके ओके फैसिलिटीज है, मतलब इवेंट डांस हो गया सिंगिंग हो गया वो सब के लिए आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटीज वगैरह, पर ऐसे स्पोर्ट्स के लिए नहीं है. ये उनका वॉशरूम है, वॉशरूम भी ओके ओके ही था, मतलब थोड़ा मेरे को तो अनक्लीन लगा था ठीक है लेकिन नॉट बैड ऐसा था. तो ये है अपना बनरघट्टा रोड कैंपस और यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर्स है अपना कोरमंगला कैंपस एंड ये कैंपस थोड़ा सा छोटा है पर चल जाता है एंड वो अगर किसी को लाइक पार्टी का बहुत सारा शौक है एंड ऐसे मज़े लेने हैं ज़िंदगी के कोरमंगला कैंपस में जाओ, वहाँ पर भी मज़े नहीं मिलते पर बेटर बेटर.